बहुत बुरा है, खासकर जब हमारे मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता हो और ऐसे में लोग बड़ी आशा के साथ वोट डालते हैं, कुछ चुनते हैं और उसके बाद जब वो सरकार चुनते हैं तो बीजेपी ने एक ऐसा कानून बनाया हुआ, एक ऐसा उन्होंने आदत डाल दी है कि वो जोर ज़बरदस्ती डरा धमका के लालच दे के उन सरकारों को तोड़ते हैं, उस वोट की बेइज्जती करते हैं और अपने हिसाब से लोगों को अपने साथ मिलाते हैं और साथ ही पहले उनको करप्ट बुलाते हैं, उनको बेईमान बुलाते हैं, उसके बाद उन्हीं लोगों को अपने साथ मिलाते हैं। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं जो हमारे मुल्क की जमहूरियत को ये सबसे बड़ा धचका है। तो पहले शिवसेना टूटी, अब एनसीपी, तो उसको किस तरह देखते हैं? नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि जब का अभी तो कुछ दिन पहले मेरे ख्याल में बीजेपी के बहुत बड़े लीडर ने शायद भोपाल में या कहीं ये कहा कि एनसीपी के खिलाफ बहुत बड़े घोटाले हैं, इतने हजार करोड़ के घोटाले हैं और नाम ले के लिए, और आज उन्हीं को मिलाया अपनी सरकार में, तो ये तो खुद बताता है कि इनकी पॉलिसी दोहरी है, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। और सबसे ज्यादा करप्शन अगर किसी सरकार में है, कोई पैसा बनाया है किसी जमात ने, तो वो बीजेपी है। अभी आप गए भी थे, एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई अपोजिशन लीडर्स की, तो उसको क्या लगता है कि उससे कोई जोड़ाव है? बिल्कुल डरते हैं, घबरा गए हैं, बिकॉज इनको पता है कि अगर अपोजिशन इकट्ठे हो जाती है तो 60% से ज्यादा वोट अपोजिशन के पास है, तो फिर तो इनका कोई चांस ही नहीं बनता है। ये तो पूरा जो, अगर अपोजिशन इकट्ठे नहीं होती है तो अगले वक्त में संविधान का ये नामो निशान खत्म कर देंगे, डेमोक्रेसी का ये नामो निशान खत्म कर देंगे। और जो लोगों की इस वक्त लोकशाही है, लोग वोट डाल के अपनी सरकार चुनते हैं, वो उस इख्तियार को ही ये खत्म कर देंगे। इसलिए अपोजिशन का इकट्ठा होना बहुत जरूरी है और उस दबाव को आप कम नहीं कर सकते। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा, ये जो मूव हुआ है, पॉलिटिक्स हो रही है महाराष्ट्र में, उससे जो अपोजिशन जो इकट्ठा हुई है उसमें अपोजिशन और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि अपोजिशन को मालूम है इट्स डू और डाई। अगर वो अभी इकट्ठे नहीं होते हैं तो जो जम्मू कश्मीर की हालत है, जम्मू कश्मीर एक खुला जेल बना हुआ है जहां बात नहीं कर सकते हैं, तो अपोजिशन के जितने भी लीडर हैं तो वो सब उनको करप्शन झूठे चार्जेस के अंदर उनको जेल में डाल देंगे और उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा इस मुल्क का। क्या लगता है ये मतलब खरीदा गया है इनको? जाहिर सी बात है, दो उस दबाव पहले इनमें कई लोग ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ या नाम ले सकूँ, जैसे अजीत पवार हैं, दूसरे भुजवल साहब हैं, तीसरे वो जो क्या नाम है उनको, कोई हसन है क्या उनका नाम है, उनके ईडी के छापे पड़े, उनके खिलाफ इन्होंने करप्शन के केसेस बनाए, आज वो इनके साथ मिल गए, एक डिप्टी सीएम बन गया, दो मिनिस्टर बन गए। तो ये क्या बतलाता है? ये बतलाता है कि बीजेपी जो है वो ईडी और दूसरी करप्शन एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है अपोजिशन को दबाने के लिए, तोड़ने के लिए, और उसके बाद उनकी सरकार गिरा के अपनी सरकारें बनाती है। यानी वोट को ये बेइज्जत कर रही है, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है वोट, और उसी वोट को ये मिसयूज कर रही है।